आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई बेंच के सामने कल होगी सुनवाई। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बैठक जारी, चुनाव आयोग के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। 8 जनवरी को केजीएमयू का 17वां दीक्षांत समारोह, 64 मेधावी छात्रों को मिलेंगे मेडल। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, चित्रकूट रेंज भेजे गए वाराणसी रेंज के आईजी। सपा और रालोद की अहम बैठक आज, अखिलेश जयंत सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं बैठक। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर संभल से है जहां समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान को लेकर संभल में सपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। दरअसल आपको बता दें, संभल बीएम धर्मकांटे पर शहर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक बैठक बुलाई थी। संभल सांसद ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि सांसद अपना बयान वापस ले और माफी मांगे। लोगों ने कहा कि आजम खान हमारी आन बान और शान है। आजम खान हमेशा कमजोर और मजलूम लोगों की आवाज बनकर उनकी लड़ाई लड़ी है। भाजपा सरकार ने नफरत की राजनीति करते हुए आजम खान को भैंस बकरी और चोरी में जेल भेजा है। आएंगे ना आ जाएंगे, ऐसे जने हजारों आदमी बंद हैं, रहते ही हैं बारह महीने बंद, तो एक आदमी की वजह से थोड़ा ये होता है। सवाल ये है कि इसका ताल्लुक आजम खान, आजम अपने केसेस में बंद हैं, इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत तकलीफ दे बयान है और हमारे जैसे लोगों पे बहुत तकलीफ गुजरी है उनके बयान से। हम बस आपको बड़ा सम्मान करते थे और कायद मोहतरम वाले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने ही उनको 2014 में टिकट दिलवाया था। वो कैसे करके टिकट दिलवाया था आपको सबको मालूम है, आप लोग संभल के वासी हैं। अब भी आजम खान साहब ने ही उनको टिकट दिलवाया था और उनके लिए जीतों मेहनत भी की थी, और लोगों का, संभल के लोगों का कहना यह है कि आजम खान साहब की वजह से बर साहब को वोट दिया था। अब मुझे नहीं मालूम ये उम्र का तकाजा है या किसी कन्फ्यूज़न में या मीडिया वालों ने उनके मुँह में ये बात डलवाई है, किस लिए कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। खबर संभल से है जहां तीसरी बार जनसभा करने पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभा में सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियां सियासी सेक्युलरिज्म के जरिए मुसलमानों को डराने और देश से बेदखल करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की कब्र पर अपना सियासी महल खड़ा किया है। हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी के सियासी सेक्युलरिज्म और हिंदुओं के दो आटो के बीच पिस रहा है। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो सुनोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती भड़काव भाषण देते हैं। खबर बांदा से है जहां एक महिला से विभागीय अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के भाई ने महिला के गर्भपात का जिम्मेदार खाद वितरण अधिकारी को बताया है, साथ ही डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। डीएम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं आरोपी खाद वितरण अधिकारी मीडिया के सवालों पे नो कमेंट कहते नजर आए। बता दें कि मामला जनपद के बाजबुलाल चौराहे के पास बने खाद वितरण केंद्र का है, जहां पर सोनम द्विवेदी नाम की महिला मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, जो कि 2 महीने के गर्भ में भी
थी और उस अपने विभाग के खाद वितरण अधिकारी सीपी पांडे से 2 दिन का अवकाश मांगा था। महिला के भाई के आरोप के मुताबिक उसे अवकाश नहीं दिया गया बल्कि सबके सामने दुर्व्यवहार कर भगा दिया गया था, जिसके बाद मौके पर ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका गर्भपात हो गया। थी कि हमारी दीदी 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जिस मामले को चलते हुए उन्होंने अभी कुछ 27 तारीख को उन्होंने अप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए, ठीक है, 2 दिन का अवकाश के लिए दिया था और उनको डॉक्टर ने चार वीक की छुट्टी दी थी, ठीक। उसमें क्या हुआ कि इनके जो अधिकारी हैं, जिला खाद्य विपणन अधिकारी हैं, तो इन्होंने उनकी छुट्टी रेस्ट कर दी थी, बीच में रोक दी थी, जिस मामले में उन्होंने कल जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि उनकी अचानक, इनके जो अधिकारी हैं खाद्य विपणन अधिकारी हैं जिला खाद्य विपणन, इन्होंने क्या किया है, काफ़ी उन्हें मानसिक टॉर्चर किया है, उन्हें इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया था और ऑफिस में सबके सामने धुतकार के भगा दिया था और उसके बाद ये फोन में धमकी भी दी थी, नोटिस जारी करेंगे तो छुट्टी भी नहीं मांगते थे और किसी प्रकार की कोई बात हो तो उनके ऊपर बहुत मानसिक दो जगह का चार्ज दिए हुए थे उनको, ठीक है। इसके बाद उनके ऑफिस में तबीयत खराब हो गई, ऑफिस में तबीयत खराब होने के बाद उनको भर्ती करवाया गया, उसमें उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय की मांग करना चाहते हैं और इनको, इनके जो अधिकारी, इनको जल्द से जल्द सस्पेंड कर्मचारी। आप क्या वर्जन, क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या आरोप लगे हैं कि सही मानते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नो कमेंट जो भी है। ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान खान जुड़े हैं बांदा से। रिजवान, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिस तरह का आरोप लगाया गया है, अधिकारी नो कमेंट कहते हुए नजर आए हैं, तो सीधे तौर पर वो अपनी गलती मान रहे हैं क्या? जी बिल्कुल है। बांदा के सिविल लाइन क्षेत्र में पंडित जैन कॉलेज परिसर में आज कंबल, हेलो जी, जी रिजवान आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज जी, बताइए। बांदा में एक महिला से विभागीय अधिकारी द्वारा महिला उत्पीड़न का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता महिला के भाई ने महिला के गर्भपात का जिम्मेदार आरोपी खाद्य वितरण अधिकारी को बताया था। जी। पीड़ित महिला के भाई ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उसकी गर्भवती बहन को अवकाश न देने, विभाग में 2 पदों पर कार्य कराने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। जी, तो रिजवान, इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी गई है? वही जिलाधिकारी ने इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है और संज्ञान में ले लिया गया, इसमें जांच बिठा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता रिजवान खान जुड़े थे बांदा से। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक पिता ने अपनी ही 2 माह की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला जयसिंहपुर के असेठी गांव का है, जहां बीते दिन रामजीत का परिवार में किसी से विवाद हुआ था, जिसके बाद रामजीत का उसकी पत्नी कांति से झगड़ा हो गया। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रामजीत ने अपने मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया। वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद कांति ने अपने पति रामजीत के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी रामजीत की तलाश कर रही है। घर वाले से झगड़ा किए रहने, मतलब समझावत रहने, वही बदे हमें मारी ने जी। वही गुस्सकता में लड़के कमरे उठाए के फेंक दिए, लड़के हमारे खत्म हुए। थाना जयसिंहपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम 88 में एक पिता द्वारा अपने 2 माह के बच्चे को जमीन पर पटक दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना मौके पर थाना की पुलिस गई और उसकी पत्नी जो है, जो बच्चे की मृतक बच्चे की माँ है, उनकी तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पे अपराध पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र करके इस घटना का कारण पता किया जाएगा कि क्यों। बातचीत के लिए संवाददाता राजीव जुड़ेंगे सुल्तानपुर से। राजीव, कहां का है ये पूरा मामला? ये जयसिंहपुर के 88 गांव का मामला है। बीते 5 तारीख को जो है शाम को 5 बजे पति पत्नी विवाद होता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो अपने 2 माह का बच्चा जो है पटक देता है, और जब उसकी हालत नाजुक हो जाती है तो पत्नी जो है हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। बच्चे की मौत के बाद माँ जो है संबंधित थाने में तहरीर देती, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, लेकिन अभी जो है अभी पुलिस के दूर से है।
जी तो क्या व्यक्ति इस वक्त फरार है आरोपी? जी आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़े थे। वही अब खबर मऊ से है, जहां थाना मधुबन के अंतर्गत बसपा के प्रभारी विधानसभा कोऑर्डिनेटर नीलम कुशवाहा की रैली चर्चा का विषय बन गई है। रैली का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल नीलम मधुबन विधानसभा में बाइक कार रैली निकालकर अपनी ताकत का परिचय दे रही थी। रैली में उनके समर्थक शामिल थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं में अति जोश भरा हुआ था। वो इतने उत्साहित थे कि रैली में आगे चलते हुए बाइक पर खड़े होकर नाचने लगे, लेकिन इस स्टंट नुमा डांस के दौरान एक कार्यकर्ता धड़ाम से बाइक से गिर गया। खास बात यह है कि रैली में आगे चल रहे बसपा कार्यकर्ता रैली लाइव कर रहे थे और कार्यकर्ता का बाइक से गिरने का वीडियो वायरल हो गया। वही अब खबर देवरिया से है, जहां मेहियावा पैना कोटवा भागलपुर तक नदी का किनारा डेंजर जोन में आता है, फिर भी खनन माफियाओं ने किसानों की खेती बर्बाद कर बालू का अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये खनन किया जा रहा है और किसी तरह सौभाग्यवश हम किसानों की भूमि लगभग 25 साल बाद खेती करने योग्य हुई है। वही SDM बरहज ने बताया कि जैसे ही मुझे ग्रामीणों द्वारा लिखित सूचना मिली तो मौके पर पुलिस भेजकर खनन रुकवाया गया और कोई अवैध खनन करते मिला तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हम लोगों की खेती पैना खादर में है जी, और हम लोग अपने खेतों में गए तो देखे कि ट्रैक्टर से लोग रास्ता बना रहे हैं। हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि किसी ने पट्टा कराया है, वो खनन करेगा। खनन नहीं हो रहा था, खनन हो रहा था, मशीनें आ गई थी, लेकिन खनन होगा। इस जानकारी मिलने के बाद हम लोग SDM से मिले और SDM साहब ने हम लोग की बात काफी गौर से सुना और उसके बाद तत्काल उन्होंने इस पर रोक लगा दिया है। इसलिए हम लोग SDM साहब के आभारी हैं। या खनन अगर होता तो इसमें क्या दिक्कत आप लोग की? क्योंकि पैना खादर का कोई नक्शा नहीं है और ये भागलपुर से कपरवार तक डेंजर जोन होने के कारण ये बहुत दिन से डेंजर जोन डिक्लेयर है। किस नदी किनारे है ये? ये घाघरा नदी कहिए इसको, सरयू हम लोग कहते हैं, लेकिन ये घाघरा है। अवैध खनन से आपका तात्पर्य क्या है, मिट्टी का या बालू का? बालू का है। देखिए बालू का कोई भी व्यक्ति बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं खनन कर सकता है और कल कुछ लोगों से शिकायत की थी, तुरंत हमने वहाँ पुलिस भेजी थी, रुकवा दिया गया था। और जो अगर कोई व्यक्ति मिट्टी खोद रहा है अपने खेत से तो अपने निजी प्रयोग के लिए वो मिट्टी खोद सकता है। सर गहराई कितनी गहराई तक वो खोद सकता है निजी प्रयोग के लिए? जी सर, निजी प्रयोग के लिए ट्राली, दो ट्राली, तीन ट्राली अपनी मिट्टी खोद सकता है, जितनी उसकी आवश्यकता है। जी सर, देखने के लिए सर GCP से खनी जा रही है और प्रशासन को भी ये मालूम है, इस पर लोगों का आरोप है कि प्रशासन खनन करा रही है, सहयोग से कहूँ ये बात सही नहीं है, बिल्कुल बात सही नहीं है। बालू खनन कहीं नहीं हो रहा, जहाँ भी सूचना मिलती के बरहस थाना क्षेत्र के कुटुमा के नदी किनारे मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों की फसल की खेती कराई जा रही है और अवैध खनन के चलते यहाँ किसानों की काफी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और एक भाई साहब है, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह की खनन हो रही थी। भाई साहब यहाँ पे यहाँ GCP लगाते भी तो रोड बन रही है, इसके बाद यहाँ से खनन होगी। ये 98 से पहली बार यहाँ पे हम लोग का खेत बढ़ा है और 98 से हम लोग यहाँ का एक भी फसल नहीं उगा पा रहे थे। कैसे कैसे सरजू माता के कारण यहाँ पे हम लोग का खेत में जोताई हो रही है। इसकी सूचना आपने किसी को दिया? हाँ, हमने यहाँ पर जो अपने गांव के प्रधान हैं उनसे बोला गया है, SDM साहब से बोला गया है, इन लोगों से बोला गया है। अच्छा, क्या लगता है कि जब ये खनन हो रही थी आपने तत्काल इसकी सूचना किसको दी? हमारे गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो उन्होंने जाकर SDM साहब को जाकर सूचना दी तो उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की और इस पर रुका गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि अवैध खनन लगातार अभी हो रही थी और रास्ते बनाने के लोग फिराक में थे और यही खनन रोकने के लिए इन्होंने SDM बरहज को आवेदन दिया और SDM ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध खनन को रोक दिया। खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि जुड़ेंगे। रवि, किस तरह का एक्शन देखने को मिला अधिकारियों का इस खनन पे? सीधा बता दें कि हमें एक वीडियो मिला था जिसमें अवैध खनन करते हुए कुछ माफिया दिखे थे जी। और हमने जब वीडियो की जांच पड़ताल करना शुरू किया और हम बरहज के पैना में पहुंचे तो वहां के ग्राम प्रधान ने बताया कि
कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली से और पोकलैंड से वहाँ खुदाई रास्ते बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। जब इस विषय पर हमने SDM से बात किया तो SDM ने बताया कि मैंने तत्काल खनन को रोक दिया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई हो उस पर की जाएगी। जी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ग्रामीणों की सुनवाई हुई है, इस पे ग्रामीणों का क्या कहना है सुनवाई के बाद? ग्रामीणों का कहना है कि हमने SDM से मिला, SDM ने तुरंत खनन विभाग खनन को रोक दिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे। खबर बस्ती से है, जहां अपराधियों पर अंकुश लगाने में बस्ती जिले की गौर और पैकोलिया पुलिस साफ तौर पर साबित हो रही है। पैकोलिया थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर ने गौर में आतंक मचा रखा है। दिन दहाड़े पहले हिस्ट्री शीटर ने युवकों को अपने साथियों के साथ पिटाई की और फिर दो मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हिस्ट्री शीटर पारस यादव और उसके साथी मौके से फरार हो चुके थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर को दबिश देकर लिया। तो हिस्ट्री शीटर्स के साथियों ने आतंक मचा रखा है और पुलिस को अब कामयाबी मिली है, जहां दबिश देकर अपराधियों को पकड़ लिया गया है। बस्ती से ये खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने में बस्ती जिले की गौर और पैकोलिया पुलिस साफ तौर पर नाकाम साबित हो रही है। पैकोलिया थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर ने गौर में आतंक मचा रखा है। आज दिनांक 5 जनवरी 2022 को तौहीद निवासी ग्राम संथुआ थाना पैकोलिया अपनी मोटरसाइकिल से और उनके साथी आरिफ अपनी मोटरसाइकिल से कस्बा बबनान के चौराहे हरैया की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान पारस यादव निवासी कस्बा बबनान अपने 6-7 साथियों के साथ इन दोनों के ऊपर हमला करके इनको दोनों को बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे ये दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भाग गए। पारस यादव और उसके साथियों ने इनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ फोड़ कर उसमें आग लगाकर दोनों मोटरसाइकिल को जला दिया। सूचना मिलने पर तत्काल थाना गौर की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों मोटरसाइकिलों को अपने कब्जे में लिया। वादी तौहीद की तहरीर पर थाना गौर पर सुसंगत धाराओं में 6 नामजद व 1-2-3 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपी पारस यादव सनात जसई निवासी। वही अब खबर अलीगढ़ से है, जहां एक गौशाला में गौवंश भूख प्यास के चलते तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिसके चलते गौशाला के आसपास काफी बदबू होने से ग्रामीण परेशान है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने तहसील खैर के SDM को लिखित शिकायत पत्र देकर गौशाला में मर रही गायों को दफनाने की बात करते हुए कहा कि उन्हें बदबू से निजात दिलाई जाए। वहीं लोगों का कहना है कि योगी सरकार गायों की रक्षा की बात करने का ढिंढोरा पीट रही है। गौशाला में गायों को खाने पीने का कोई इंतजाम न हो के कारण गाय भूख प्यास से तड़प कर मर रही है। वहीं आवारा गौवंश सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे कई हादसे हो चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? पंजगड़ी पलावी में। क्या समस्या है तुम्हारी? अब मेरी पास में चक है, खेत है, और बदबू के मारे गौ साल मतलब गाय में इतनी बदबू आवे कुत्ता जिंदगी में घुस जाए। अच्छा, वो मर जाए बास के मारे रखो न जाए। किसके नाम से गौशाला है? पंडित हंसराज शर्मा। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ करिए, कहाँ करेंगे? खबर उन्नाव से है, जहां आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए शासन की ओर से अफसरों को आदेश दिए गए हैं कि आवारा घूमने वाले जानवरों को पकड़कर गौशाला में बंद किया जाए, लेकिन अफसरों ने काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की और आवारा जानवरों को नहीं पकड़ सके। परेशान किसानों ने घेराबंदी कर एक पंचायत घर में सैकड़ों जानवर बंद करके अफसरों को बुलाने पर डटे रहे। वहीं किसानों का कहना है कि ये आवारा जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जबकि वो सर्द रातों में पूरी खेत पर फसल को बचाने के लिए काट रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में पहुंचने के लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि 10 तारीख तक 100% गौवंश गौशालाओं में पहुंच जाएं। इसके लिए हमने समस्त विकास खंड अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई है।
देखिए, निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जनपद में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि 10 तारीख तक 100% गोवंश गौशालाओं में पहुंच जाएं। इसके लिए हमने सभी विकासखंड अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। इन विकासखंड अधिकारियों ने प्रत्येक न्याय पंचायतवार एक टीम बनाई है। हमने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक न्याय पंचायतवार टीम का गठन करके, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम विकास और पशु चिकित्सा के अधिकारी हों, प्रतिदिन एक गांव का चयन करें और उस गांव के जितने भी निराश्रित गोवंश हैं वो उनको गौशालाओं में ले जाएं। तो निराश्रित गौवंशों को और जानवरों को टीम बनाकर, न्याय पंचायत द्वारा टीम बनाकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने का अभियान रखा गया है। विकासखंड अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीम बनी है जो कि गौवंशों का ध्यान रखेगी। जिस तरह से फसलें नष्ट कर रहे हैं ये जो गौवंश हैं, खुले मवेशी हैं, तो इन्हें एक जगह पे बंद करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। विकासखंड अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। गौवंशों के गौशालाओं में पहुंचने का अभियान है, जहां गांव के ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि सरकार द्वारा गौवंशों की सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गौवंश आवारा घूम रहे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और किसानों की फसलों को खराब कर रहे हैं। वही अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ पिकअप भवन पर मारुति सिंह अनुभवन ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के अभ्यर्थी अनवरत धरने पर बैठ गए हैं। जबकि इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मारुति सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करी है इस प्रदर्शन के बारे में। चलिए आपको सुनाते हैं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है। अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती के हम पीड़ित अभ्यर्थी हैं। सर, यह भर्ती दिसंबर 2016 में आई थी। यह भर्ती 3 चरणों में पूरी होनी थी, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट व साक्षात्कार। देखिए इसका विवरण इस प्रकार है। लिखित परीक्षा जो कराई गई थी 31 मई 2019 को कराई गई थी, टाइपिंग टेस्ट 13 जनवरी 2021 से लेकर 23 जनवरी 2021 तक कराई गई थी। जो साक्षात्कार है वो 15 सितंबर 2021 से लेकर 8 अक्टूबर 2021 को संपन्न कराई गई थी। जो लोग अनुपस्थित थे उनका 12 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ था। और ये पूरे 3 चरण कराने में, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार कराने में पूरे 5 बस आयोग ने लगा दिए हैं। और आप सभी को पता होगा आगामी चुनाव नज़दीक है, जल्दी आचार संहिता लगने वाले हैं, जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली। 5 वर्षों में आयोग के इन अधिकारियों से एक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। हम विवस्ता बस, हम यहाँ आकर सड़कों पर बैठना पड़ा है विवस्ता बस। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर हमने मुख्यमंत्री कार्यालय पर रिसीव कराया। उसके बाद से हमने वहाँ मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को पत्र देकर अवगत कराया अपने भर्ती के मामले को। मैं श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैंने अवगत कराया। मैं कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही से मैंने बात को अवगत कराई। इसके बाद हम आयोग के पर लगातार आते रहे। हमने 8 दिसंबर को धरना दिया था। 8 दिसंबर को जब हम आयोग पे गए थे, आयोग के सचिव जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर में हर हाल में परिणाम आ जाएगा, और अभी तक परिणाम आया नहीं है। और अभी सोचिए कि 5 वर्षों में हम सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि आयोग के अधिकारी हमें पुख्ता आश्वासन दे, क्योंकि हर बार झूठा आश्वासन देते हैं, हमें पुख्ता आश्वासन दे कि कब अंतिम परिणाम हमारा आएगा। जी अच्छा, हमें ये बताया कि आप तमाम अधिकारियों से मिले और मंत्रियों से मिले, तो उनके तरफ से क्या था? जिन भी तमाम अधिकारियों और मंत्रीगणों से हमने मिला, उन लोगों ने यही कहा कि हम आयोग के अधिकारी जो हैं, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, उनसे बात करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा परिणाम आए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमने यह दृढ़ संकल्प करके हम सभी साथी आए हैं कि जब तक हम 2384 अभ्यर्थियों की पीड़ा का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि संजीदे से एक अधिकारी होने के नाते एक पुख्ता आश्वासन दे। अगर उन्हें देना है 10 दिन बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, 20 दिन बाद देना है, वो टेंटेटिव डेट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, हम इस तारीख को देंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन पुख्ता आश्वासन। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।